वेलकम टू नेटवर्किंग हब गुप्ता। आज हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे विंडोज लाइव क्रिएट करेंगे बूटेबल, राइट? और कैसे विदाउट हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, मतलब विदाउट हार्ड डिस्क लगाए हुए ना, विदाउट हार्ड डिस्क कैसे हम लोग अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप के अंदर कैसे यूज करेंगे उसको, राइट? तो सबसे पहले कि आपके लैपटॉप में, और आप लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क लगी हुई है आप निकाल के उधर रख दो, साइड में रख दो कोई नहीं, या डेस्कटॉप में लगी हुई आपको साइड में लगा दो, हटा दो, ठीक है। एज अ पेन ड्राइव आपको लाइव विंडोज करके, आप लोग बूट करा करके, आप लॉग इन करके चेक कर सकते हो सब कुछ। और आपकी एज अ जो विंडोज प्लेटफॉर्म जो जैसे इंस्टॉल करते हो ना, एज अ विंडोज लाइव बूट करा सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन कोई भी अगर वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग पास नोटिफिकेशन जाएगा। न्यू न्यू वीडियो में नए नए थिंग्स में डालते रहता हूँ मैं, ठीक है। सीसीएनए से रिलेटेड, लिनक्स के रिलेटेड, देन सर्वर से रिलेटेड, ठीक है। तो बहुत सारे में वीडियो नए नए थिंग्स में डालते रहता हूँ, तो सो डैट कि आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए, ठीक है। और देन सबसे पहले हम लोग विंडोज लाइव क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या होगा, 16 GB की पेन ड्राइव आपके पास नीड होने चाहिए, कम से कम 16 GB की पेन ड्राइव। एटली अगर 8 GB हो तभी चलेगा, बट 16 GB की कम से कम आपके पास पेन ड्राइव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वन, ये आपकी देखिए एक रिफर सॉफ्टवेयर होती है, ये रिफर सॉफ्टवेयर, तो आप ब्राउजर से यहाँ पे डाउनलोड कर लो आप, ठीक है, यहीं से रिफर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। उसके बाद रिफर डाउनलोड करने के बाद आपकी ऐसे डाउनलोड करने ये सॉफ्टवेयर आ जाएगी आपका, डाउनलोड करने के बाद उसके बाद इसको क्या करेगा, ओपन करोगे, ओपन करो आप लोग, ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद सबसे पहले ये क्या होता है कि पहला जो फर्स्ट चॉइस होगा कि हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके लिए विंडोज ISO 10 हम लोग बना रहे हैं, तो ISO 10 का आपको इमेज ISO फाइल डाउनलोड करने पड़ेगा ब्राउजर के थ्रू, या आपके विंडोज 7 का बनाना है तो 7 का बना सकते हो, ठीक है। तो आपको पहले सबसे, मैंने ऑलरेडी विंडोज 10 का ISO फाइल डाउनलोड करके रखा हूँ, तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन 532, ये हम लोग NTFS क्या होता है कि बेटर फाइल सिस्टम होती है, मतलब बूटिंग फाइल जो होती है ना, बूट कराने में आसानी से, बूट कराने में बहुत इजी हो जाती है, इसलिए हम लोग NTFS यूज करते हैं। ये पार्टीशन टेबल होती है GPT, GPT इज द बेस्ट पार्टीशन, या GPT पार्टीशन चूज करके देन आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फाइनली जो आप पहले विंडोज ISO 10 सेलेक्ट करना है, देन NTFS यूज करना है, देन GPT या MBR होगा तो आपको GTP यूज कर लो कोई नहीं, ठीक है, सबसे बेटर होता है। उसके बाद तो फाइनली जो ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है, देखो यहाँ पे जो फाइनली ऑप्शन चूज करना है Windows 2 Go, ये ऑप्शन चूज करना है आपको दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद आप उसको विंडोज को लाइव करा सकते हो। आपके हार्ड डिस्क आप क्या करो, इसको निकाल के रख दो इधर साइड में, ठीक है, और आप एक पेन ड्राइव में बूटेबल बनाओ, लाइव बनाओ, उसके बाद अपने लाइव चला सकते हो। सपोज इन केस आपकी विंडोज करप्ट हो गई तो आप दोनों काम कर सकते हो, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देन इसके बाद क्या करोगे, स्टार्ट पे क्लिक करोगे दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट पे क्लिक हो, ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लगती है, तो आई होप आप लोग को ये अपने, अगर आप लोगों ने बूटेबल पेन ड्राइव बनाया हुआ तो आप, आई होप मैं, आप लोग कर सकते हो, इजी है, ठीक है, और कोशिश कर सकते हैं आप लोग। अगर कोई भी, अगर आप क्वेश्चन है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए, आप अपने कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट की जरूर मैं आंसर दूंगा आपको, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे आफ्टर ये फिनिश होने के बाद, आफ्टर फिनिश होने के बाद में कैसे वो होगा आपको, जैसे ऑलरेडी मैंने क्या क्या बना रखा हूं मैं, तो देखिए जैसे विंडोज में भी यूजर आ गया, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर आ गया, ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स आ गया, विंडोज आ गया, जैसे मैंने विंडो पेन ड्राइव को मैंने विंडोज लाइव क्रिएट किया हूं मैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। देखो मैंने ऐसे ही, आप अगर विंडोज इंस्टॉल करते हो तो ऐसे ही तो सारे फाइल क्रिएट होती है कि नहीं, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और क्या कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग जरूर, मतलब अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो जरूर इम्प्रूवमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सो डैट आई होप, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कि कैसे लिनक्स का बनाएंगे, है कि नहीं, लिनक्स का बनाएंगे, लाइव कैसे क्रिएट करेंगे उसका, ठीक है, जैसे काले लिनक्स का कैसे लाइव क्रिएट करोगे, ठीक
कि लाइव क्रिएटर आप लुमिनस को बूट करा सकते हो विदाउट हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क की कोई मतलब ही नहीं होती है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, गुड डे।